हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13B कर रहे हैं। जो 13B जो है वो आइडेंटिटी ए प्लस बी इन टू ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, और ये फर्स्ट टर्म दोनों सेम होना चाहिए और ये सेकेंड टर्म भी दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके आपको ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स वाली आइडेंटिटी आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 13B। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है y प्लस 9 y माइनस 9, सो विच इज़ इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस 81। यहाँ पे 4 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई 4। यहाँ पे होगा ए स्क्वेयर माइनस 2 बाई 3 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 4 बाई 9, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये क्वेश्चन सिखाता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है आइडेंटिटी को, ठीक है। उसके बाद तो बहुत मतलब थोड़े से एडवांस सम्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन 2 थोड़ा सा एडवांस है। एक्स की जगह पे 3x है, आपको सिर्फ देखना क्या है कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, एक साइन माइनस है, एक साइन प्लस है, ठीक है। तो ये होगा 3x होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सो 3 3 9 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज़ योर आंसर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 7x होल स्क्वायर, सो ये 4 होगा, माइनस 7 7 49 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट a बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई 4 माइनस 9। यहाँ पे होगा 4x होल स्क्वेयर माइनस 3y होल स्क्वेयर, 4 4 16x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 3 9 वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर। सो इस तरीके से आपको करना है। सो अब क्वेश्चन 3 थोड़ा और एडवांस होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा और एडवांस है फर्स्ट और 2 से। सो ये होगा a बाई 3 होल स्क्वेयर माइनस b बाई 4 होल स्क्वेयर, सो a इंटू a इज़ a स्क्वेयर, 3 इंटू 3 इज़ 9, b इंटू b इज़ b स्क्वेयर, 4 इंटू 4 इज़ 16। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई सी एस सी वाले बच्चे ही ये वीडियो देख सकते हैं, रादर CBSE वाले स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें इतने वेराइटीज़ और स्टेप बाय स्टेप सम्स है ना, इट्स रियली आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस देगी, तो आपको ये एटलीस्ट एलजीब्रिक और फैक्टराइजेशन तो करना ही चाहिए। माइनस 1/3 होल स्क्वायर, सो टी इंटू टी इज़ टी स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज़ 4, माइनस 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 3 इंटू 3 इज़ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। सो ये और थोड़ा सा एडवांस है लेकिन इतना टफ नहीं है। होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन y स्क्वायर, फिर दिस इक्वल्स टू 1 बाई a होल स्क्वायर माइनस 1 बाई b होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। वन अपॉन 3x होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5y होल स्क्वायर, सो ये होगा 1 अपॉन 9x होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 25y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि 1.1x होल स्क्वायर माइनस 0.3y होल स्क्वायर। डेसिमल देख के ही सबको मतलब घबरा जाते हैं। सो पहले तो 11 का क्या स्क्वायर है, 1 2 1 और ये एक्स स्क्वायर, माइनस ये क्या है 9 और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डेसिमल रखना है 0.1 और दोबारा हो रहा है,
तो मतलब दो डिजिट के पहले आएगा डेसिमल, मतलब कि यहाँ यहाँ पे भी दो डिजिट के पहले आएगा, तो ये एस से आएगा 0.09। कैसे किया देखिए, 1.1 × 1.1, तो ये वन डिजिट, ये टू डिजिट, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो टू डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, राइट। चले नेक्स्ट, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2B² होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा, ए रेस टू 4 माइनस 4B² 4। यहाँ पे 6X² होल स्क्वायर माइनस 7Y² होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 6×6 = 36, X^4 माइनस 7×7 = 49, Y^4। ये है 4X² होल स्क्वायर माइनस 2YZ होल स्क्वायर, सो ये होगा 16X^4 माइनस 4Y^2 Z^2। फोर्थ वन, फोर्थ है AB होल स्क्वायर माइनस 3/2 CD होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू A^2 B^2 माइनस 9/4 C^2 D^2 को। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।